अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शेख हसन बाउजर, मरहूम शेख सईद बाउजर का छोटा भाई। आज वादी मुस्तफ़ा की रोड का आलम सालों से वैसी चे, थोड़ा आगे रोड जो है सो और खराब थी। थोड़े पैसे यहाँ के लीडर और आजुक बाजुक के घर वाले पैसे डाल के उतना हिस्सा बनाए, थोड़ा हिस्सा मट्टी डाल ली। जो आगे का लाइन से जो रोड खराब है, आगे मंडी लगे हुई है, लोग पैदल जा रहे हैं, इसके जिम्मेदार कौन है? काउंसलर साहब को बोल रहा हूँ मैं, आने वाला इलेक्शन करीब है, वहाँ जलपल्ली म्यूनसिपल में जाके मैडम को बोलो, आपकी जो है मैडम है जलपल्ली म्यूनसिपल में, जो रोड सेंक्शन हुई थी यहाँ पे, उसका क्या हुआ अब तक? यहाँ पे इतनी तकलीफ है, लेडीज जो है सो पैदल जा रहे हैं, कॉलेज से बच्चियाँ आ रही हैं, इसकी कौन पूछेगा? काउंसलर को बोल रहा हूँ, फिर जीतने का है तो मैं रोड का काम करो, लोग बहुत तकलीफ में। आप उम्रे को जाके आए माशाल्लाह, मगर एक बात बोल रहा हूँ मैं, काउंसलर साहब को काम कराओ, फिर इलेक्शन आता लोग चले गए दूसरे पार्टियों में, तुम नए गए भूल के काम करो। सालों से खराब है, कहीं कुछ थी लोगों को तकलीफ। जब पानी पड़ रहा, पानी में भी जो इसको लोग सरकारी लाने के वास्ते पैदल जा रहे हैं, ये पानी के अंदर आप लोग घरों में सुकून से बैठे हुए, कहाँ है वो लीडरों को पूछ रहा हूँ जो वोट मांगने वक्त पे आ जाते? ये पानी के अंदर मंडी में देख सकते हो, लोग सौदा ले रहे हैं, गरीब जो है सब ने पेट के वास्ते पानी के अंदर जावा, पानी में पड़ते पानी में, ये पानी में से अगर किसी का पैर फिसल के गिर गया, अगर कोई गिर गया तो कौन उठाते उसको? पूरा कीचड़ में खराब हो जाता उन्हें, इसीलिए बोल रहा हूँ आवाम जो है सो लेडीज बेचारे, लेडीज माँ बहना जो है सो पैदल सौदा लाने जा रहे हैं, इसके जिम्मेदार नहीं है कोई भी। एक बात पूछ रहा हूँ मैं, ये माँ बहनों की तकलीफ को देखो, अगर इनकी जगह तुम्हारे माँ बहना अगर ये रोड पे जाते तो तुम लोग ये रोड को नहीं बना देते, तुम लोग ये घरों के पास रोडा डाले हुए, सुकून से आवाम को परेशान कर दे रहे हैं, अपनी जगह रख के सोचो इन लोगों को। इसीलिए बोल रहा हूँ अपनी जगह, जो भी जत्थेदार के नशे में थे परेशान हो गए, जत्थेदार चले गया उनके पास से, आने वाला इलेक्शन है, अगर काम नहीं करेंगे तो वो भी चले जाता फिर, तो इलेक्शन होते ही इलेक्शन के टाइम पे आप लोग पूरे आ जाओ वोट मांगने के वास्ते, इन लोगों के पास वोट दियो। अब काउंसलर इलेक्शन आ रहा, तुम्हारा को बोल रहा हूँ मैं काउंसलर साहब को, ये वोट सेंक्शन हुए भी है, इसको रोड को सेंक्शन करे भी है, आप जाके जो इसको डलाओ वहाँ हेवा गुंडे की रोड डाले, वैसे छोड़ दिए पैसे सेंक्शन कराए बोल के, यहाँ की रोड कौन कराते, इसके जिम्मेदार कौन है? काउंसलर साहब, आने वाला इलेक्शन है, अगर ये काम नहीं होगा तो फिर हार जाते। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। क्या आप जानते हैं हर ठंडी दिखने वाली चीज आइसक्रीम नहीं होती? आइसक्रीम और फ्रोजन डेजर्ट में बहुत फर्क होता है। फ्रोजन डेजर्ट को बनाने के लिए वेजिटेबल ऑयल और वनस्पति का इस्तेमाल किया जाता है, और आइसक्रीम को बनाने के लिए रियल मिल्क का इस्तेमाल किया जाता है। रियल मिल्क आइसक्रीम मतलब अमूल आइसक्रीम। क्या आप चाहते हैं कि आपके पार्टी और फंक्शन में आपके मेहमान सिर्फ अमूल आइसक्रीम ही खाएं? या आप एक दुकानदार हैं और आप अपने कस्टमर्स को अमूल आइसक्रीम सेल करना चाहते हैं, तो चले आए यू नीड इंटरप्राइजेस, साउथ इंडिया का सबसे बड़ा अमूल आइसक्रीम डिस्ट्रीब्यूटर। 1,000 हो या 1,00,000, हम हैं आपकी खिदमत और दावत के लिए हमेशा तैयार। आज ही तशरीफ लाए यू नीड इंटरप्राइजेस बिसाइड लाइफलाइन हॉस्पिटल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजवी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तियाब है। आपकी उम्मीदों के अहम मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।